नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको भारत की धरोहर और प्रेम के प्रतीक ताजमहल के इतिहास और रहस्यों की पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, इस खूबसूरत ताजमहल के बारे में कई इतिहासकारों के अलग अलग मत भी हैं। कई लोगों का यह दावा भी है कि ताजमहल पहले हिंदू मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था, यह एक शिव मंदिर था। तो आज सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, भारत के आगरा शहर में बना ताजमहल दुनिया के 8 अजूबों में से एक माना जाता है। इतिहासकार के नजरिए से ताजमहल एक ऐसी इमारत है जिसे प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। ताजमहल आगरा शहर के बाहरी इलाके में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर बना हुआ है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां द्वारा करवाया गया था। ताजमहल शाहजहां ने 1631 में ताजमहल के निर्माण की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन ताजमहल के निर्माण का कार्य 1632 में शुरू किया गया था और 1653 में समाप्त भी हो गया था। इस विशाल इमारत को बनाने में लगभग 22 वर्षों का समय लगा था और इस इमारत को बनाने में उस समय 3 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जो वर्तमान में कई अरबों रुपए से भी अधिक है। चलिए आपको बताते हैं शाहजहां ने क्यों करवाया था ताजमहल का निर्माण। मुगल बादशाह शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल थी। मुमताज फारसी देश की शाही खानदान की राजकुमारी थी। शाहजहां और मुमताज का निकाह 30 अप्रैल 1612 को हुआ था। मुमताज शाहजहां की दूसरी बेगम थी। बात करते हैं 17 जून 1631 की। 1631 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के जोनाबाद में शाहजहां की 14वीं संतान बोहरा को जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि मुमताज शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम थी। इसीलिए मुमताज की याद को अमर बनाने के लिए शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल के निर्माण के लिए ईरान, तुर्क, रूस, मध्य एशिया जैसे कई देशों से 37 कुशल कारीगरों को भारत बुलवाया गया था। ताजमहल निर्माण के मुख्य शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्हें ईरान से बुलवाया गया था। इस विशाल इमारत के निर्माण में करीब 20,000 मजदूरों ने कार्य किया था। हम में से बहुत से कम लोग यह बात जानते हैं कि ताजमहल निर्माण की एक खास विशेषता यह भी थी कि यह अपने 3 रूप में बदलता है। दोस्तों, ताजमहल के निर्माण में कुछ कमाल के पत्थरों का उपयोग किया गया था, जिसकी वजह से ताजमहल सुबह में गुलाबी, दिन में सफेद और रात में सुनहरा नजर आता है। इसके निर्माण में 28 प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ये पत्थर ईरान, रूस, तिब्बत, अफगानिस्तान और मिश्रित देशों से मंगवाए गए थे। अगर बात करें इसकी संरचना मूल की, तो ताजमहल की इमारत को बनाने में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। यह संगमरमर राजस्थान से मंगवाया गया था। ताजमहल की संरचना बेहद रहस्यमय तरीके से की गई है, इसलिए इसका हर हिस्सा बेहद खास है। बात करें ताजमहल के गुंबद की, तो इस शानदार गुंबद की ऊंचाई इमारत के आधार के बराबर ही है, जो 7 मीटर ऊंची बेलनाकार स्तंभ पर स्थित है। यह विशाल गुंबद मुमताज के मकबरे के ठीक ऊपर स्थित है। यह गुंबद देखने में उल्टे कलश जैसा प्रतीत होता है। इस गुंबद पर एक किरीट कलश भी स्थित है, जो फारसी और हिंदू वास्तुकला की छवि को दर्शाता है। यह किरीट कलश लगभग 1800 ईस्वी तक सोने का था, लेकिन वर्तमान में यह कलश कांसे का बना हुआ है। इस सुंदर कलश पर चंद्रमा की आकृति भी अंकित है। चंद्रमा की आकृति और कलश के मुख की नोक को मिलकर त्रिशूल का आकार बनाती हैं, जो हिंदू मान्यता को दर्शाता है। गुंबद के चारों ओर 4 गुंबदकार छतरियां भी बनाई गई हैं। ये छतरियां गुंबद को बल देने के लिए बनाई गई थी। इन्हीं छतरियों के द्वारा मुमताज के मकबरे पर प्रकाश पड़ता है। ताजमहल की छतरियों और गुलदस्तों पर भी कमलाकार शिखर बना हुआ है, जो ताजमहल की शोभा में 4 चांद लगा देता है। चलिए बात करते हैं ताजमहल के बाहर बनी सुंदर 4 मीनारों की। ये चारों मीनारे ताजमहल के बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, ताकि भूकंप या बाढ़ जैसी आपदा के समय
मीनारे इमारत पर ना गिरकर बाहर की तरफ गिर सके। ये मीनारे ताजमहल के चारों कोनों पर बनी हुई हैं। इन चारों मीनारों की ऊंचाई लगभग 40 मीटर है और प्रत्येक मीनार दो दो छज्जों द्वारा तीन समान भागों में बटी हुई है। चलिए अब जानते हैं ताजमहल के खूबसूरत दरवाजों के बारे में। ताजमहल की तीन दिशाओं में दरवाजे बने हुए हैं। ये दरवाजे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में बने हुए हैं। ताजमहल के अंदर जाने का सबसे सुलभ दरवाजा पश्चिम का है, क्योंकि इस दरवाजे पर सैलानियों की भीड़ बहुत ही कम होती है। दोस्तों, ताजमहल में आकर्षण के कुछ और केंद्र भी हैं, जो कि इसे और भी खूबसूरत बना देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके चार बाग की। ताजमहल के सामने बने बाग को चार बाग कहते हैं। चार बाग स्वर्ग की चार बहती नदियों का प्रतीक है। चार बाग के बगीचे फारसी बागों से प्रेरित हैं। इसे सबसे पहले मुगल अंदाज में बनवाया गया था, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में इसमें कई बदलाव कर दिए गए। चार बाग के बगीचे में एक तालाब है, जहां से ताजमहल का मुख्य द्वार ठीक सामने है। चार बाग में बने इस तालाब में ताजमहल के प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ताजमहल के चार बाग के बीच में फुहारे भी लगे हुए हैं। ये फुहारे मार्बल के बने वाटर टैंक से लगे हुए हैं, जिसे हवद अल क्वैथर भी कहा जाता है। ताजमहल में लगे इन फुहारों के नीचे केवल एक ही टैंक लगा हुआ है, इस वजह से ये सभी फुहारे एक साथ पानी छोड़ते हैं। दोस्तों, ताजमहल में कई जगहों पर कुरान की आयतों के लेख लिखे हुए मौजूद हैं। सफेद मार्बल पर लिखे गए सुल्लेख थूलथू लिपि में लिखे गए हैं। इन लेखों को लिखने में जैस्पर और काले मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। ताजमहल के इन सुल्लेखों का श्रेय फारसी सुल्लेखक अब्दुल उल हक को दिया जाता है। अब्दुल उल हक के सुल्लेखों से खुश होकर शाहजहां ने उनका नाम अमानत खान रख दिया था। दोस्तों, इस खूबसूरत ताजमहल के बारे में कई इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कई लोगों का यह दावा है कि ताजमहल पहले हिंदू मंदिर था, जिसका नाम तेजो महल था। यह एक शिव मंदिर के नाम से जाना जाता था और ASI को ताजमहल के 22 बंद कमरों की जांच करने के निर्देश देने की भी मांग की है, ताकि यह पता चल सके कि कहीं हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तो नहीं इन 22 कमरों में। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी एक किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 700 से अधिक सबूत मौजूद हैं। उनका कहना है कि ताजमहल को पहले तेजो महल्ले कहते थे। पुरुषोत्तम ओक का यह भी मानना है कि ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि ताजमहल का पहले रिकंस्ट्रक्शन किया गया था। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में से एक तेजलिंग का भी वर्णन किया जाता है। ताजमहल में तेजलिंग भी स्थापित था, इसीलिए इसका नाम तेजो महल्ले पड़ा था। ताजमहल को नाग नागेश्वर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि ताजमहल के मुख्य गुंबद पर जो कलश है, वह हिंदू मंदिरों की तरह दिखता है। यह कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक सोने का था और अब यह कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा चली आ रही है। इस कलश पर चंद्रमा बना हुआ है। चंद्रमा और कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। ताजमहल में मुमताज की कब्र के ऊपर गुंबद के बीच से अष्ट धातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला स्वर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था। उसे निकालकर शाहजहां ने खजाने में जमा कर लिया, तो वह जंजीर खाली रह गई थी। अंग्रेजों के शासन काल में लॉर्ड कर्जन ने इस जंजीर में दीपक लटकवा दिया, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। पुरुषोत्तम ओक अपनी किताब में यह भी लिखते हैं कि महल शब्द मुस्लिम शब्द नहीं है। अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि जगह पर एक भी ऐसी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके बाद महल लगाया गया। यह भी गलत है कि मुमताज के कारण इसका नाम मुमताज महल पड़ा, क्योंकि उनकी बेगम का नाम था मुमता उल जमानी। यदि मुमताज के नाम पर इसका नाम रखा होता तो ताजमहल के आगे से मुम को हटा देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। इतिहासकार ओक के अनुसार नदी तट के भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं, जिनके झरोखों को शाहजहां ने चुनवा दिया था। आज भी इन 22 कमरों को भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा तालों में बंद रखा जाता है।
इन कमरों की दीवारों तथा भीतरी छतों पर अभी भी प्राचीन हिंदू चित्रकारियां अंकित हैं। ताजमहल के शिव मंदिर होने की सभी जानकारियां इतिहासकार पुरुषोत्तम मोख की किताब ताजमहल तेजो महल्य शिव मंदिर में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। चलिए अब बात करते हैं ताजमहल के परिसर में बनी मस्जिद के बारे में। करीब 42 एकड़ में फैले ताजमहल परिसर में इस मार्ग की पश्चिमी दिशा में एक मस्जिद बनी हुई है। इस मस्जिद का निर्माण इसलिए करवाया गया था क्योंकि मुस्लिम कानून के हिसाब से किसी भी मकबरे के पास मस्जिद होना जरूरी होता है। इस मस्जिद का निर्माण ईसा मोहम्मद ने करवाया था। इस मस्जिद का मुख मक्का में काबा की दिशा में है। मस्जिद के ठीक सामने एक पुल भी बना हुआ है, आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। इस पुल का प्रयोग नमाज पढ़ने से पहले स्नान के लिए किया जाता था। मस्जिद के बाहरी हिस्से को संगमरमर के बने 3 गुंबदों से सजाया गया है और अन्य 4 गुंबद को कियोस्क कहते हैं। मुगलों के समय में बनी मस्जिदों की वास्तुकला में इस प्रकार का पैटर्न आमतौर पर पाया जाता था। मस्जिद में एक आकर्षक डिजाइन वाला फर्श भी है। मस्जिद के फर्श को इस तरह से बनाया गया है कि यह मस्जिद में नमाज पढ़ने की चटाई के रूप में कार्य करे। मस्जिद की दीवारों को कुरान की पंक्तियों के साथ जटिल रूप से उकेरा गया है और इसमें अल्लाह के नाम का उल्लेख भी किया गया है। मेहमान खाना, चलिए बात करते हैं मेहमान खाना की। ताजमहल की पूर्व दिशा में एक मेहमान खाना भी बना हुआ है। मेहमान खाने की संरचना बिल्कुल मस्जिद जैसी ही है। दोनों भवनों में सिर्फ फर्श के डिजाइन का अंतर है। मेहमान खाने का फर्श बिल्कुल सादा बना हुआ है। इसकी दीवारों पर आकर्षक मुगल कालीन पेंटिंग और सूरजमुखी के फूलों की कलियों के डिजाइन बने हुए हैं। इसके मेहराबों पर भी ज्यामितीय पैटर्न के डिजाइन बने हुए हैं। इस मेहमान खाने में शाहजहां और मुमताज के उर्स के दौरान शाही मेहमान रुका करते थे। इसके रॉयल गेट के दोनों ओर बनी बारादरी में स्थानीय मेहमान रुका करते थे। यह खूबसूरत इमारत लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है और इसमें संगमरमर की कारीगरी भी की गई है। मेहमान खाने के दरवाजों से ताजमहल के सामने का हिस्सा देखा जा सकता है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अंग्रेजों ने इस मेहमान खाने को गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया था और इस मेहमान खाने को ब्रिटिश कपल के हनीमून के लिए किराए पर उठाया जाने लगा था। आज के समय में भारतीय पुरातत्व ने रेलिंग लगाकर पर्यटकों का प्रवेश इसमें वर्जित कर दिया है, जिसकी वजह से सिर्फ आप इसे बाहर से ही देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ताजमहल से जुड़ी हुई जानकारियां जो मैंने आपको बताने की और दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।